तो निकल चुके हैं सफर पे। हम रास्ते में रुके थे, हम जा रहे थे कैंप की तरफ और रास्ते में ये एडवेंचर एक्टिविटीज होती देखी है, तो भैया से मैं सोचा बात कर लेते हैं। स्वर्ण नगरी पैरासीलिंग, ये आते हुए जैसलमेर से अराउंड जब आप कैंप की तरफ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड को पड़ेगा, काफी बड़ा ग्राउंड है, उसको देख के हम रुक गए थे। तो भैया यहाँ मिल गए, इनका नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको इन फ्यूचर में जैसलमेर आना हो तो आप इनसे कैंप बुक कर सकते हैं। अभी देख 9 7 8 2 3 9 3 9 5 6 4 4 5 6 4। आपका नाम क्या है? विनोद। तो विनोद जी का ये नंबर है। यहाँ आपको जगह जगह ये जो पैराग्लाइडिंग पैरासीलिंग जो भी इसको कहते हैं, आपको ये रास्ते में बहुत जगह मिलने वाले हैं, जो आपको बेस्ट रेट मिले देख लेना। फिलहाल तो हमने एक बंदे का नंबर दे दिया है। अभी सैंड का है, सैंड की तरह है, पच्चीस किलोमीटर पीछे। तो गाइस यहाँ पे बार्गेनिंग भी होती है, भैया पीछे 300 बोल रहे थे, ये 800 बोल रहे हैं, मतलब रेट किसी का कोई फिक्स नहीं है। ऐसे तीन रेगिस्तान है, तीनों रेगिस्तान घुमा के आराम से वापस उतारेंगे, 800 रुपए भाई को देना, मजा आए तो देना है, नहीं तो रुपया अपना आराम। सही रेंट है, रोजी की कसम है, आप कहीं भी ट्राई करो तो इससे कोई कम करा दे, मैं आपको फ्री कराऊंगा। 8 8 9 0 9 2 8 6 1 6। भैया इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और बाकी आके इनसे बात कर लेना। ये फिलहाल कह रहे हैं 45 मिनट की राइड देंगे, 800 रुपए मांग रहे हैं, चलो हम बात करते हैं, वो भी आप अपने हिसाब से बात कर लेना। और फिलहाल तो हम दो लोग हैं, अगर ज्यादा लोग होंगे तो जैसी बात है फिर फायदेमंद रहेगा, हम दो लोग हैं तो हमें महंगा पड़ रहा है, इसलिए सही बात है ना सर? सही बात सर, धन्यवाद। कितने लोग बैठ सकते हैं जीप पे? जीप के अंदर अच्छे 7 जने रहते हैं। तो भैया रुके हैं, अभी बातचीत चल रही है, बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो ये इनका बोर्ड है। तो गाइस हमने कर ली है जीप, लोग और होंगे तो आपके पैसे बच जाएंगे, और हमने जो जीप करी है ये करी है 800 रुपए में, जो कि ये कह रहे हैं कि भैया अराउंड 25 किलोमीटर का राइड है, 45 मिनट लगने वाले हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मालूम नहीं। और तीन पॉइंट बता रहे हैं जिसमें से एक पॉइंट है जिसमें बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी, तो और उसके अलावा और भी पॉइंट है, तो देखते हैं अभी जा रहे हैं तो आपको बताता हूँ। भाई म्यूजिक बजाना बजा रहा है मस्त, किसी से बात नहीं करने दूंगा ये बोल रहा है, क्योंकि ये बात हमारे दोस्त ने बताई थी, ये उतार के चले जाते हैं और अपनी दूसरी सवारी लेके आते हैं, पर हमें बिल्कुल रेगिस्तान छोड़ मत देना, नहीं पता नहीं, चला हम गुम हो जाएं। नहीं नहीं, चल भाई लगा दे लॉक लगा दे। चाबी यहाँ कौन टांगता है भाई? कहाँ पे? तो हम रेडी हैं भैया चलने के लिए, सवारी तैयार है, आप ही चलाओगे? हाँ जी सर, मैं चलाऊंगा। ठीक है, ये जीप है नई नवेली लाल परी, तो हम चढ़ गए हैं ऊपर, तो थोड़ा इधर हो, ये हमें भी बैठने दीजिए, टांगों के सहारे हमने टिका ली है अपनी, पिछवाड़ा नीचे फिलहाल तो बैठ गए हैं, तो नज़ारे लेते हुए हवा का मजा लेते हुए हम चल पड़े सफारी में। ओहो हमारा सफारी स्टार्ट हो गया भाइयों, ये एडवेंचर है। अरे नहीं भाई कॉपीराइट आ जाएगा। मजा तो बहुत आ रहा था गाना सुनने में, पर एक्चुअली में कॉपीराइट का सिस्टम है आपको पता है। तो अभी हम जा रहे हैं डेजर्ट की तरफ, डेजर्ट दूर है थोड़ा और, पर बहुत खूबसूरत लग रहा है, फुल ऑन एडवेंचर करते हुए। ओ भाई साहब पूरा, अरे राम से भाई, अरे भाई वो वो, ओ भाई साहब इस रेत पे हिल गए भैया, हिल गए भैया, बहुत डेंजर है, उसके पकड़ा हुआ है हमने, कोई तो बचा ला। ओ भाई साहब सुना ली तो फाइनली आ गए हम प्रॉपर डेजर्ट के अंदर। लुक एट दिस ये नजारे है भाई ताजिकिस्तान का। भाई सब कुछ निकल गया बाहर, मजा तो खूब आ रहा है, पर कैमरे को पकड़ के करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओह माय गॉड, ये देख ये अभी कैसे है।
अरे भाई कोई बुजुर्ग आदमी मत चढ़े, झटका आ जाएगा। ये हमारा एडवेंचर कुछ ज्यादा हो गया। एक हाथ से जो पकड़ के बैठे, एक हाथ से यहाँ पकड़ के बैठे, एक तरफ से एक चीज छूट गई तो भैया क्या था हम गए या फिर कैमरा गया। टाइट कर ली भाई, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उठने की दो चीजों को पकड़ने की, इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ। भाई तू शॉट कर ले, मैं तेरे से ले लूँ। हेला डाला भाई साहब, शूट क्या करेगा मतलब शूट हमारे साथ भाई साहब, हमारे साथ आज हादसा हो गया। ओ भाई साहब, ये ना ओ भाई साहब, अच्छा था मैं स्कूटी से आती। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ हो, ओ भाई साहब, हमारा शूट हमारा ही हो गया, कोई बच्चा इसको क्या था क्या चल रहा है हालत हो गई भाई, एक ब्रेक मारेंगे इसको बोल। अबे भाई साहब सॉरी राइट सर गिवर क्या याद रखो मैं भाई साहब ब्रेक में तो रुक जा सर। ओ भाई साहब सब कुछ जला दिया इसने, सब कुछ हिला दिया भाई साहब, सब कुछ। और कुछ बचा यार भाई साहब? सफर कैसा रहा? सफाई दिया हमसे पूछो हम कैसे हैं। टोपी टोपी रुक गया। अरे भैया भैया भाई 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 टोपी गिर गई, हमारे बंदे की टोपी, इज्जत गिर गई। मजा तो खूब आ रहा है पर सच बताऊँ हमारे पास जो गियर्स हैं इसके चक्कर में हम पूरा एंजॉय कर नहीं पा रहे क्योंकि शूट करना है। और शूट भी क्या बोलूँ कि भाई सब कुछ हिल डुल रहा है, सब कुछ हिल डुल रहा है, हम पूरे हिल डुल चुके हैं। तो भैया सब कुछ हिल गया है अंदर का, हमारा हाल हो गया खराब, आप देख सकते हो बुरी हालत है। पर मज़ा खूब आया, अगर आप कैमरा इन सब चीज़ों छोड़ के इन्जॉय करोगे राइड्स का तो बहुत मज़ेदार, पैसे भी ज़्यादा नहीं है सर बताऊँ तो। मैंने वैसे दुबई में भी डेजर्ट सफारी करी थी, वो अलग फील है, ये अलग फील है, पर यहाँ वाकई में मज़ेदार है। तो ये भाई हमें लेके आया है जिसका नाम है सलीम है, नंबर आपको दे चुका हूँ तो इनको कॉन्टेक्ट कर लेना सफारी के लिए। पर इनके कैंप भी हैं, कैंप भी है ना अपने, रॉक स्टार कैंप है। चाय वाय भी बनती है, चाय बनती है, पानी, चाय, खाने को भी है कुछ। ये रेस्ट करने का बहुत बढ़िया सिस्टम है। और ये भाई यहाँ पे है, चाय अभी पियेंगे, थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई, इतना घुमा दिया, इतना हिला दिया, इंजर पिंजर हिल गया भैया हमारा तो। बहुत ही बढ़िया नज़ारा यहाँ का। तो अभी हमारे जो जीप सफारी वाले भैया हमें छोड़ गए हैं यहाँ पे, तो ये बैठने का अरेंजमेंट्स है या चाय वाय पियो, उनकी राइड कैमल राइड जैसे कहते हैं वो करने का। ये पूरा डेजर्ट का एरिया है और डेजर्ट इस तरह से नहीं है कि पर्टिकुलर डेजर्ट है, थोड़ा डेजर्ट यहाँ है, थोड़ा फिर आगे प्लेन है, फिर डेजर्ट है, इस तरह से एरिया बना हुआ है। और यहाँ लोग फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे हैं, अब हम भी खिंचवाएंगे यहाँ फोटोग्राफ्स वगैरह और थोड़ा टाइम इन्जॉय करेंगे, फोटोशूट वगैरह करेंगे, कैमल राइड करेंगे और उसके बाद साथ में पियेंगे कोल्ड ड्रिंक। कहाँ भैया मेरी कोल्ड ड्रिंक है? आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, भैया मिल जाएंगे यहाँ पे। भैया क्या नाम है? कुतुब नार। कैमल राइड भी कराते हो? जी। कैमल राइड यहाँ ले सकते हो, बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, टाइम पास कर सकते हो, फोटो शूट करो और मजा करो डेजर्ट का। क्या करते हो? ये गाने बजाने
कैमल राइड बैठ गया हूँ कैमल के ऊपर। ये भाई साहब तो वही कैमल राइड कराने वाले हैं। नाम क्या बताया आपने? सनी भाई। तो बाकी में मजेदार है, कैमल बहुत शरीफ है भैया। अभी तक तो हमें सफाई से बैठा रखा है, आगे पता नहीं गेर गुड़ दे तो बैठ भी बैठ बैठ के भैया जय बजरंग बली। सब कुछ ठीक है फिलहाल, सब कुछ ठीक है। भैया ये देखिए कितनी पब्लिक आ गई है और डेजर्ट सफारी को एंजॉय करने रात तक रुकते हैं लोग और सनसेट का मजा लेते हैं। पर अभी हम चलने वाले हैं, कैंप है, स्टे नहीं है, पर आपको कैंप के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा यहाँ पे। और अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है ठीक है, अदरवाइज ऐसे हमारी तरह आप स्कूटी बाइक लेके आ सकते हो, नहीं तो वहाँ से लोकल ऑटो चलते हैं जो कि 100 रुपये लेता है स्टॉप करने का यहाँ पे। उसके बाद आपको डेजर्ट सफारी वाले या कैंप वाले अपने आप ही लेके चलते हैं। तो भैया हमारा काम हुआ पूरा, फिलहाल यहाँ से चलते हैं। चल मेरे भाई यही पिकअप पॉइंट है और यही ड्रॉपिंग पॉइंट है और हम जहाँ झूल गए हैं भैया। फाइनली बैक, वी आर बैक। वाकई में बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली जैसलमेर यहाँ आए और अगर आपने डेजर्ट सफारी नहीं करी, कैमल राइड नहीं करी, तो वाकई में आपका सफ़र अधूरा रह जाएगा। चाहे आसपास जितना मर्जी घूम लो, फोर्ट देख लो, किले देख लो, पर यहाँ ज़रूर आना। और जहाँ तक लोंगे वाले की बात है वो थोड़ा और दूर पड़ता है और ट्रांसपोर्टेशन अपना हो तो वेल एंड गुड है, तो वो भी एक अच्छा अट्रैक्शन पॉइंट है, पर हम नहीं गए। आप जाना चाहो तो डेफिनेटली जा सकते हो, अराउंड 120 किलोमीटर है, वहाँ एक टेम्पल भी पड़ता है, उस टेम्पल भी जा सकते हो, पर यहाँ का मज़ा एक अलग फील है।